फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और हम आज निकल पड़े हैं फिर से एक सफारी पे। हालांकि एक काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल फ्रंट पे व्यवस्थाएं रही और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे तो कहीं जाना हो नहीं पाया। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फोटोग्राफी फॉर यू। आज हम आपको ले चलेंगे राजाजी नेशनल पार्क और जहाँ हम ट्राई करेंगे लेपर्ड साइटिंग अलॉन्ग विथ सम बर्डिंग। तो यहाँ से राजा जी का जो रास्ता है वो अराउंड 4.5 घंटे का है। तो हम अभी 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, हमारे एक मित्र हैं उन्हें साथ में पिकअप करूँगा मैं, और अराउंड 12-12.5 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि हमने आज दिन की सफारी बुक करी है जो कि 3 से 6:30 बजे तक होती है। तो देखते हैं क्या मिलता है, आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो रास्ते में ब्रेकफास्ट मोदी नगर की मशहूर जैन शिकंजी और दिन में लंच ब्रेक लेते हुए हम तकरीबन 1 बजे तक अपने डेस्टिनेशन राजाजी नेशनल पार्क पहुंच गए। और सफारी का जो टाइम था हमारी वो तकरीबन 3 बजे से था, तो स्टिल हमारे पास 2 घंटे थे। तो हमने पार्क के आसपास की जगह का जायज़ा लिया और पार्क के जो ऑफिशल्स वहाँ थे उनसे कुछ बातें की। तो ये जो पार्क है ये उत्तराखंड के मोहन फॉरेस्ट रेंज में आता है एंड देहरादून से तकरीबन 23 किलोमीटर पहले इस पार्क का एंट्री गेट है। बेसिकली ये उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। रोड के इस पार जो है वो उत्तराखंड है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। तो ये आप देख सकते हो, ये एंट्री गेट और ये टिकट काउंटर। यहाँ पे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरीके से ही जो है टिकट लिया जा सकता है। दिन में यहाँ 2 सफारियाँ होती हैं जिसके टाइमिंग है सुबह 6 से 10 और शाम का जो टाइम है वो है 3 से 6। एक बार में तकरीबन 15 जिप्सीज जो है पार्क में एंटर करती हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे इतना रश नहीं है क्योंकि ये जो गेट है ये राजा जी का चन्नावानी गेट के नाम से जाना जाता है एंड यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ लेपर्ड्स की साइटिंग्स कुछ ज़्यादा होने लगी हैं, इसीलिए ये गेट अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये एक्चुअल में दिल्ली टू देहरादून का नया हाईवे जो बनने जा रहा है उसका एक पार्ट है और ये पार्क के बीच में से होकर गुजरता है। बेसिकली ये एक रिवर बेड है जो कि बरसाती नदी है, इसी को फॉलो करते हुए यह हाईवे बनाया गया है। तो उसको क्रॉस करते हुए पार्क की एंट्री है और इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सच कोई जोन नहीं है, सीधा सीधा एक कच्चा पक्का रास्ता बना हुआ है जिप्सी के लिए एंड ज़्यादा धूल मिट्टी आपको नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये रोड जो है सीधे सीधे जाती है लश ग्रीन जंगल से होते हुए एंड सभी तरह के टेरेन जैसे कि ग्रासलैंड, ड्राइड रिवर बेड एंड डेंस फॉरेस्ट आपको इसी रोड पे मिल जाते हैं। लश ग्रीन जंगल के अलावा यहाँ पर कुछ मैन मेड वाटर होल्स भी हैं जहाँ पे ऊपर पहाड़ों से नदी को डाइवर्ट करके पानी जमा किया जाता है एंड अक्सर यहाँ पे जानवर जो है पानी पीने आते हैं, जिसमें से अक्सर हाथी, लेपर्ड और कुछ और जानवर भी अक्सर वाटर होल्स पे देखने को मिल जाते हैं।
जैसे जैसे हम जंगल में आगे की ओर बढ़े, अचानक ही हमें डियर की कॉल सुनाई दी और सब एकदम चौकन्ने हो गए, ये सोच के कि डियर जो है लपट के कारण अलर्ट कॉल दे रहा है। हालांकि एक हल्की सी झलक लपट के दिखी, बट कोई क्लियर साइटिंग नहीं हो पाई और लपट की तलाश में हम चल पाए आगे की तरफ। अगर फोटोग्राफी की बात की जाए तो लेपर्ड के अलावा यहाँ पर बर्डिंग का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। बर्ड्स में मेनली यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती हैं वह है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, देन आपके ग्रे हॉर्नबिल एंड वाइट हॉर्नबिल एंड ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा ब्लैक हेडेड ओरियल एंड जंगल फाउल, लॉन्ग लेग बजर्ड भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में है। थोड़ी दूर और चलने पर ही हमें फिर से अगेन डेयर की कॉल सुननी पड़ी और हमने फिर वेट किया कि शायद लेपर्ड दिख जाए, और यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। हालांकि हमें 3-4 डिफरेंट लेपर्ड साइट हुए, बट सब काफ़ी दूर थे एंड कोई बहुत ही क्लियर शॉट नहीं आ पाया, एंड इसमें ही काफ़ी टाइम निकल गया और अंधेरा हो चला और हमारा सफारी का टाइम भी पूरा हो चला था और हम वापस निकल पड़े एग्जिट गेट की तरफ। वापस जाते जाते धीरे धीरे लाइट कम होने लगी थी और तभी एग्जिट गेट के कुछ 5-6 किलोमीटर पहले ही हमें लेपर्ड की साइटिंग हुई, बट क्योंकि अंधेरा हो चुका था और काफ़ी जंगल घना है तो फोटोग्राफी कुछ खास हो नहीं पाई। बट इस सब के बीच एक दिलचस्प बात यह हुई कि हमने एक साथ एक फीमेल एलिफेंट को और लेपर्ड को आमने सामने देखा, और ये एलिफेंट जो था ये फेमस था चार्ज करने के लिए गाड़ियों के ऊपर। और इस एलिफेंट ने करीबन 6-7 गाड़ियों का रास्ता रोक रखा था एंड सभी सफारी वाले वेट कर रहे थे कि कब यह एलिफेंट आगे जाए और हम गेट की तरफ एग्जिट गेट की तरफ पड़े, लेकिन
ये एलिफेंट काफ़ी फेमस है चार्ज करने के लिए, तो किसी ने कोई चार्ज नहीं लिया एंड देखते ही देखते जंगल में और अंधेरा होने लगा। फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग वापस जंगल में अपोजिट जाएंगे, जो कि फॉरेस्ट जो गार्ड्स हैं उनके जो क्वार्टर्स बने हैं वहाँ जाके उनसे कहेंगे, तो शायद वो आके कुछ डमी फायर करें एंड ये हाथी जो है हमें रास्ता दे। तो हम चल पड़े फॉरेस्ट गार्ड के क्वार्टर्स की तरफ। हालांकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर इस ढलती हुई शाम में जंगल को देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। एक डर भी था क्योंकि हमें अपने होटल के लिए यहाँ से फर्दर 17-18 किलोमीटर देहरादून की तरफ जाना था, तो और रात को पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम चल दिए फॉरेस्ट क्वार्टर्स की तरफ, फॉरेस्ट गार्ड के क्वार्टर्स की तरफ। एंड वहाँ जाके जब हमने उन्हें इस बारे में बताया तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी ठंडा सा था। उन्होंने कहा कि जंगल जो है जानवरों का है, तो हमें वेट करना चाहिए और तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोग वापस चल दिए गेट की तरफ। और जैसा कि गार्ड्स ने कहा था, तब तक हाथी जो है जा चुका था और हम चल पड़े एग्ज़िट गेट की तरफ। तो यह था हमारी सफारी का पहला दिन। हम यहाँ पर टोटल दो सफारी करने वाले हैं, कल मॉर्निंग की भी हमारी सफारी रहेगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या मिलता है। हालांकि आज लेपर्ड की बहुत ही अच्छी साइटिंग नहीं हुई, और जब हुई तब लाइट काफ़ी कम थी तो कुछ खास फोटोज़ नहीं आ पाए। तो आशा करते हैं कि कल हमें लेपर्ड से कुछ अच्छे फ़ोटो मिलेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले व्लॉग में।